Hi everyone, welcome to Cooking with Benazir. अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्पाइसी चिकन स्पगेटी बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए हमने 1 लीटर पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। पानी अच्छी तरह से बॉईल हो रहा है। हम फ्लेम को लो करके इसमें ध्यान से स्पगेटी डाल देंगे। हमने यहाँ पर 150 ग्राम स्पगेटी यूज़ किया है। थोड़ा नमक, आप चाहें तो स्पगेटी के बदली नूडल्स भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम 1 टीस्पून के करीब ऑयल ऐड कर देंगे। फ्लेम को हाई करके हम इसे हाई फ्लेम पर 8 से 10 मिनट बॉईल होने देंगे। स्पगेटी को बॉईल होने में टाइम लगता है, हम इसे 8 से 10 मिनट तक बॉईल होने देंगे मीडियम फ्लेम पर। स्पगेटी को बॉईल होते 10 मिनट हो चुकी है। अच्छी तरह स्पगेटी बॉईल हो गई है, बस इससे ज़्यादा हमें इसे बॉईल नहीं करना। हम फ्लेम को बंद कर देंगे। स्पगेटी को हम तुरंत छान लेंगे। स्पगेटी को छान लेने के बाद हम इस पर ठंडा पानी ऐड कर देंगे, ताकि नूडल्स ज़्यादा नरम नहीं हो जाएं। एक ब्रॉड बर्तन में हम 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर देंगे। हम इसमें 2 टेबलस्पून चॉप किया हुआ लहसुन डाल देंगे। हमने इसमें 2 टेबलस्पून भर के लहसुन यूज़ किया है। इसमें गार्लिक का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। लो फ्लेम पर आधी मिनट लहसुन को सॉटे करने के बाद हम इसमें चिकन डाल देंगे। हमने बोनलेस चिकन यूज़ किया है, जिसकी हमने छोटी छोटी बोटियाँ कर ली हैं इस तरह से। ये हमने 150 ग्राम यूज़ किया है। साथ में हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। हम बिल्कुल थोड़ा नमक ऐड करेंगे, खाली चिकन को सीजन करने के लिए। फ्लेम को हाई करके 2 से 3 मिनट हम चिकन को भून लेंगे। 2 मिनट के बाद हम फ्लेम को लो करेंगे और इसमें हरी प्याज का जो सफ़ेद हिस्सा है वो डाल देंगे, 1/4 कप। हमें चिकन को बस 2 ही मिनट सॉटे करना है। अगर हम बोनलेस चिकन को ज़्यादा पकाएंगे तो वो हार्ड हो जाएगी। हम इसमें 2 हरी मिर्चियाँ ऐड कर रहे हैं बारीक कट करके, थोड़ा गाजर। हमने 1 मीडियम साइज़ का गाजर लेकर उसकी इस तरह से स्लिट्स कर ली हैं। थोड़ा लाल कैप्सिकम, लाल शिमला मिर्च, ये हमने 2 टेबलस्पून लिया है। थोड़ी पीली वाली शिमला मिर्च, थोड़ी हरी शिमला मिर्च। हमने ये तीनों शिमला मिर्चें तकरीबन 2-2 टेबलस्पून यूज़ किया है। आप चाहें तो सिर्फ हरी वाली शिमला मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। हम इसमें थोड़ी गोभी ऐड कर देंगे चॉप करके, ये हमने तकरीबन 1/2 कप यूज़ किया है। तमाम चीज़ें डालने के बाद हम फ्लेम को हाई करके 1 से 2 मिनट हाई फ्लेम पर सब चीज़ों को सॉटे करेंगे। दोस्तों, मेरी आपसे एक गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस बेल बटन को भी याद से दबा दें, ताकि मेरी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। 1 से 2 मिनट हमने तमाम चीज़ों को सॉटे किया है। आप देख सकते हैं कि सब्ज़ियाँ अभी भी क्रंची है। हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, बस 1 से 2 मिनट चलाते हुए पकाना है। हम इसमें 1 टेबलस्पून भरकर डार्क सोया सॉस डाल देंगे, चिली सॉस ये भी 1 टेबलस्पून भरकर यूज़ किया है हमने। ये मार्केट्स में इजीली मिल जाता है, अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून भरकर विनेगर सफ़ेद सुरका, 1 चिकन का क्यूब। ये चिकन का क्यूब आसानी से मिल जाता है मार्केट्स में, आपको ये मैगी और नॉर कंपनीज़ के मिल जाएंगे। हम ये रेसिपी में नमक नहीं डालेंगे, क्योंकि जो चिकन का क्यूब हम यूज़ करते हैं उसमें भी नमक होता है, सोया सॉस में भी नमक होता है। इसीलिए हमने शुरू में बस चिकन में थोड़ा सा नमक डाला था, अभी हम इसमें नमक नहीं डालेंगे। फ्लेम को हमने वापस हाई कर दिया है, बस हाई फ्लेम पर हम 1/2 मिनट तमाम चीज़ों को भूनेंगे। हम इसमें 1 टेबलस्पून के करीब टमेटो केचप भी ऐड करेंगे। सॉसेस अच्छी तरह पक गए हैं, हम अब इसमें नूडल्स ऐड कर देंगे। फ्लेम को लो करके हम इसमें स्पेगेटी ऐड कर देंगे, जो हमने बॉईल करके तैयार रखी है। थोड़ी हरी प्याज ऐड कर देंगे। फ्लेम को हाई करके हम अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिला लेंगे।
हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट हम तमाम चीज़ों को चलाते हुए पकाएंगे ताकि अच्छी तरह से स्पगेटी में फ्लेवर आ जाए तमाम सॉसेस का। दोस्तों अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस अब ये बिल्कुल तैयार है, हम इसे सर्व करेंगे। दोस्तों अगर आप मेरी रेसिपीज़ और उसका तरीका डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट पर ज़रूर विज़िट करें। मेरी वेबसाइट का नाम है www.cookingwithbinazeer.com। वहाँ पर आप मेरी रेसिपीज़ को आसानी से डाउनलोड भी कर सकते हैं और फ्री में देख सकते हैं।